नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे छोरे के बारे में जिसका इंग्लैंड में बज रहा है डंका। बिहार के बारे में भले ही लोग तरह तरह की बातें करते हों और कहते हों, लेकिन जब भी मौका मिला है बिहार के युवाओं ने अपने हुनर के बदौलत विश्व में अपना एक अलग पहचान छोड़ी है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बॉलीवुड सिंगर ऐश्वर्य निगम द्वारा गाया सुपरहिट फिल्मी गाना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए को इंग्लैंड के स्कूल के सिलेबस में शामिल किया गया है। अभी इंग्लैंड के बच्चे इस गाने के बोल और धुन की स्टडी कर सकेंगे। आपको बता दें कि इंग्लैंड के शिक्षा विभाग ने अपने म्यूजिक एक्टिविटी में इस गाने को शामिल किया है। आपको यह भी बताते चलें कि यह गाना बिहार और यूपी के लोकगीत और स्थानीय बोल पर बनाया गया है। ऐश्वर्य निगम ने साल 2010 में मुन्नी बदनाम हुई गाने को दबंग फिल्म में गाया था। इस गाने पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अभिनय किया है। इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गिनीज बुक में इसने अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। इंग्लैंड के शिक्षा विभाग ने सिलेबस को लेकर एक पैनल भी तैयार किया है, जिसमें संगीत शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षकों के अलावा 15 संगीतकार शामिल हैं। मुन्नी बदनाम हुए गाने के अलावा ए आर रहमान की जय हो, किशोरी अमोनकर की सहेली रे और अनुष्का शंकर का इंडियन समर को भी इस सिलेबस में शामिल किया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर इंग्लैंड के शिक्षा विभाग का मानना है कि सभी स्कूलों के लिए इस तरह के सिलेबस से विभिन्न संस्कृतियों के संगीत के बारे में जानकारी लेना है, जिससे कि छात्रों को दूसरी संस्कृति के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त हो सके। हिंदुस्तान अखबार से बात करते हुए ऐश्वर्य निगम ने बताया कि छात्रों को विविध संस्कृतियों के संगीत के बारे में जानकारी देने के लिए ब्रिटेन के शिक्षा विभाग ने स्कूल के पाठ्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड हिट और भांगड़ा बीट्स को शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि इंग्लैंड के सभी स्कूलों के लिए इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से संगीत के बारे में सुनने और सीखने का अवसर देना है। ऐश्वर्य ने यह भी बताया कि इस गाने के संगीत और बोल दोनों बिहार यूपी के लोक संगीत से जुड़े हैं। यहाँ के नाच में गाया जाने वाला गाना लौंडा बदनाम हुआ से यह प्रचलित है। धुन भी लोक संगीत पर है। खुशी यह है कि इंग्लैंड के बच्चे हमारे यहाँ के लोक संगीत और धुन को इस गाने के माध्यम से जानेंगे। आइए एक नजर डाल लेते हैं भारतीय पार्श्व सिंगर ऐश्वर्य निगम के बारे में। ऐश्वर्य हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन गायकी के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्य हिंदी फिल्म दबंग में मुन्नी बदनाम हुई के लिए उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं अगर हम ऐश्वर्य के करियर की बात करें तो इनकी शुरुआत म्यूजिकल रियलिटी शो सारेगामापा से साल 2006 में बतौर प्रतिभागी शामिल हुए थे और वे इस शो के विजेता भी रहे। इसके बाद ऐश्वर्य जो जीता वही सुपरस्टार में नजर आए थे। हालांकि वे इस शो में लंबे समय तक नहीं टिक पाए। ऐश्वर्य NDTV के शो मोहब्बत के टाइटल ट्रैक में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्य हिंदी सिनेमा के कई बेहतरीन सिंगर के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें ललित पंडित, अनु मलिक, प्रीतम, साजिद बाजिद, समीर टंडन। ऐश्वर्य का सबसे हिट गाना दबंग फिल्म का मुन्नी बदनाम हुई हुआ था, जिसके बाद उन्हें काफी नाम मिला। इसके अलावा ऐश्वर्य फरारी की सवारी, बेशर्म, कुछ कुछ लोचा है, T2, MBM आदि में भी अपनी गायकी का जलवा बिखेर चुके हैं। तो ये थे ऐश्वर्य निगम के बारे में, जिन्होंने इंग्लैंड में अपनी गायकी के धुन पर अपना डंका बजाया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।